तुम्हारी नानी बीमार है, मैं क्या करूँ? तो क्या हमें अपनी माँ के बिना खुद ही खाना बनाकर खाना पड़ेगा? तुम्हारे पिताजी है ना, सुनिए अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना, समझ गए क्या? मैं अपने बच्चों का देखभाल करूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी माँ का ध्यान रखो। अच्छा, सिर्फ बातें नहीं, तुम काम भी अच्छे से करना। अगर घर में कोई बीमार है तो तुम्हें क्या लगता है मैं देखभाल नहीं कर सकता? चिंता मत करो, खुद का ख्याल रखो। इतने समय में तुम्हारे साथ रहने के बाद ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना, समझे? मेरे बच्चे। मैं जल्दी वापस आऊंगी, अगले हफ्ते मिलते हैं। बहुत अच्छा नाटक किया। जब माँ घर में ना हो। दीदी दीदी, हम रात में कितने बजे तक टीवी देखने वाले हैं? कितने बजे तक नहीं, तब तक देखेंगे जब तक हम थककर सो नहीं जाते। ओ प्यारे, देर रात टीवी देखते हुए हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो माँ ने जो मुझे पैसे दिए हैं उससे खाने के लिए कुछ खरीदते हैं। पापा, हम किराने की दुकान पे जा रहे हैं। मेरे दोस्तों के साथ रास्ते पर टेढ़े मेढ़े हुआ बहुत समय हो गया। मजा आएगा, मजा आएगा। शायद ये कुछ ज्यादा ही कर लिया। कई बार आने जाने की परेशानी से अच्छा है। अच्छा रे। चलो अब ज्यादा बातें मत करो, इसे फ्रिज में डाल दो, जाओ। क्या मिठाई को फ्रिज में रखते हैं? ठंडी होने पर ज्यादा अच्छी लगेगी ना। आज के खाने को छोड़कर सब कुछ फ्रिज में डाल दो, जाओ जल्दी करो। हाँ कमांडर। मुझे लगता है कि शायद बंद हो गया। चलो अब देखेंगे। आपने सच में आप तो अद्भुत है, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को ऐसी चीज खाते हुए नहीं देखा है। क्या हुआ, शो में बहुत मजा आ रहा था। देखो दीदी, हाँ? क्या सब बिखर गया है, आएंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। शांत रहो, ये बस कुछ ही देर पहले खुला होगा। लेकिन ये अजीब आवाज भी कर रहा है। ओ पापा है ना, पापा इसे घर आते ही ठीक कर देंगे, ठीक है ना? हाँ? ये ठीक है, ये ठीक है। चीयर्स। बहुत देर हो रही है, मुझे घर जाना होगा। क्या तुम्हें घर नहीं जाना? बहुत देर हो गई है। नहीं जाना है, मैं थोड़ी देर से जाऊंगा। आपका घर किस दिशा में है? देर हो चुकी है इसलिए टैक्सी ले लो। मेरे घर में कौन है, मुझे दूसरी जगह जाना है। मैं दूसरी जगह के लिए निकलता हूँ, चलो तुम भी चलो। मेरा पेट। दीदी मुझे भूख लगी है। ठीक है, हमें भूख लगी है क्योंकि हमने जो कुछ भी खाया उसे पचा लिया। चलो आज ठीक से खाना खाते हैं। ऐसा लगता है कि पापा कल रात बहुत देर से घर आए थे। तो फ्रिज को ऐसे ही छोड़कर काम पर चले गए। गंदा, लगता है ये सब खराब हो गया। जरा रुको, हम किमची खा सकते हैं, पांच है, यहाँ एक अंडा भी है। चलो शुरू करें। मुझे पता है इसे कैसे बनाते हैं। तेल को अच्छी तरह से पूरे तवे पर फैलाना चाहिए,
चारों ओर देखो। अच्छे से फैला दो। ये लोग आज इतनी जल्दी सो गए? क्या तुम फिर से दूसरी जगह जा रहे हो? मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे बच्चों, आपके पापा स्वादिष्ट खाना खरीदेंगे और जल्दी घर आएंगे। मुझे नहीं लगता कोई होगा। ये क्या है? ये इतना गंदा क्यों है? यहाँ ऐसा कुछ है जो मेरे चुराने के लायक है? यहाँ आके मैं क्या चुराऊं? ये आवाज कैसी है? यहाँ तो बच्चे हैं। फिर भी कुछ तो अजीब है। जादू की मम्मी, आप तो अगले हफ्ते आने वाली थी ना? वो मेरी माँ की तबीयत सुधर गई इसलिए जल्दी आ गई। ओहो, ये सुनकर खुशी हुई। सुनो बच्चों, तुम्हारी माँ आ गई। मेरे बगैर रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा ना? ये देखो मेरी माँ ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। चलो बच्चों, जल्दी बाहर आ जाओ। कहाँ हो तुम सब?
माँ, आप आ गई। तुम लोग ये सब। आंटी, आंटी आप को इतना समय क्यों लगा आंटी? चलिए मुझे बाहर लेकर चलिए। चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलिए। वैसे भी उस चोट की वजह से हाल ही में पूरा शहर परेशान हो गया था। मुझे खुशी है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। हाँ ठीक है। शराब पीकर जा रहे हैं एक यात्री के हाथ नदी में गिरने की खबर आई है, कृपया इसे देखें। मैसेज मिल गया, जगह पता करो जल्दी। ये मैं कहाँ हूँ?